वडोदरा शहर के मध्य में स्थित और भीड़ से भरे विस्तार में आए हुए वैसे मांडवी पास के विजय वल्लभ अस्पताल में कल देर शाम अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लगते हुए पूरे विस्तार में भारी अफरा तफरी और भगदड़ का माहौल पैदा हुआ था, जहां स्थानीय लोगों की मदद और फायर काफिले की मदद से आखिरकार 23 जितने कोविड सहित के दर्दियों का आबाद बचाव किया गया। वडोदरा शहर के मध्य में आया हुआ और भीड़ से भरे रहते वैसे विस्तार मांडवी पास के विजय वल्लभ अस्पताल में कल देर शाम रात 9 बजे के आसपास अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग ने रौद्रवा स्वरूप लिया था, जहां छोटी सी गली में आए हुए विजय वल्लभ अस्पताल में कोविड सहित अन्य पेशेंट मिलाकर कुल मिलाकर 23 से भी अधिक पेशेंट अस्पताल में भर्ती इलाजी प्रक्रिया चल रही थी, जहां अचानक अज्ञात कारणों के चलते लगी आग की दुर्घटना ने देखते ही देखते विकराल और भीषण रूप धारण करते हुए स्थानीय विस्तार और दर्दी और उनके रिश्तेदारों में काफी भगदड़, दहशत और घबराहट का माहौल पैदा हुआ था। तो वहीं स्थानीय लोगों द्वारा आग की जानकारी होने के साथ तत्काल बचाव कामगिरी के लिए वे तमाम अपनी जान जोखिम में डालकर दर्दियों को बचाने के लिए कूद पड़े थे, जिसकी तत्काल फायर ब्रिगेड को जानकारी देते हुए पानी गेट सहित अन्य फायर ब्रिगेड का काफिला तत्काल घटनास्थल पर दौड़ा चला आया। जाहिर सी बात है कि भीड़ से भरे रहते विस्तार में आग बुझाने की दुर्घटना अंतर्गत काफी कठिन और मुसीबतों का सामना करते हुई भरी बनी थी, बावजूद पुलिस द्वारा पानी गेट और मांडवी की ओर से दोनों तरफ का रास्ता बंद करते हुए फायर ब्रिगेड के लिए रास्ता खुला करने के साथ आग बुझाने की मशक्कत जारी की गई। तो वहीं एक बार फिर एनओसी बिना आधारित वैसे विजय वल्लभ अस्पताल में आग की दुर्घटना के कारण भी कामगिरी पर कई सवाल खड़े हुए हैं, जहां फायर ब्रिगेड द्वारा लेडर का इस्तेमाल करते हुए 23 जितने कोविड सहित के दर्दियों को सलामत रूप से बाहर निकालने के साथ तत्काल उनका बचाव किया गया। स्थानीय लोगों की भी सहायता के कारण अधिकतम दर्दियों का आबाद बचाव किया गया था। तो वहीं घटना की गंभीरता को समझते हुए फायर ब्रिगेड द्वारा इस आग दुर्घटना को मेजर कोल घोषित किया गया, जहां मेयर, डिप्टी मेयर, जिला कलेक्टर सहित उच्च पुलिस अधिकारियों का काफिला भी घटनास्थल पर दौड़ा चला आया था और फायर ब्रिगेड द्वारा जारी की गई बचाव कामगिरी के तहत सलामत रूप से बाहर निकाले गए वैसे कोविड सहित के अन्य दर्दियों को तत्काल रूप से अन्य अस्पताल में भर्ती करने की गतिविधि जारी की गई, जहां स्थानीय लोगों की मदद और फायर ब्रिगेड की सहायता से करीबन एक घंटे की भारी जहमत के बाद आग पर काबू लिया गया। स्थानीय लोगों ने अस्पताल की इमारत पर चढ़कर और सीढ़ी की सहायता से दर्दियों को बचाने के लिए अपने हाथों से खिड़की के कांच तोड़कर बचाव कामगिरी जारी कर तमाम को रेस्क्यू किया था, जहां स्थानीय विस्तार में रहते वैसे लघुमती समाज के लोगों द्वारा जारी की गई बचाव कामगिरी के साथ एक बार फिर एक कौमी एकता का उत्तम नमूना पेश किया था, जिसके बाद आग पर काबू लेने के साथ स्थल पर तैनात वैसी टीम ने राहत की सांस ली थी। विजय वल्लभ हॉस्पिटल में आग लगी थी और तमाम जो फसायेला दर्दियो था इमने रेस्क्यू करी लेवामां आव्या छे अने 23 जेटला दर्दियो हता, आमांथी 17 जेटला कोविड पेशेंट्स हता अने 6 जेटला नॉन कोविड पेशेंट्स छे। कोविड पेशेंट्स तमाम ने एसएसजी हॉस्पिटल खाते शिफ्ट करवामां आव्या छे। कोई इंजरी नथी अने कोई कैजुअलिटी नथी, एटले अत्यारे सुधी एवा कोई कैजुअलिटी अथवा इंजरी नो कोई बनाव बन्यो नथी। ये कॉर्पोरेशन तरफ थी आ बाबत में इन्क्वायरी करवामां आवी रही छे। कोई इंजुरी नहीं एटले बधा सलामत छे अने बधाने बीजा हॉस्पिटल्स में खसेड़वामां आव्युं छे। आग बिल्कुल कंट्रोल में छे पण हजु जे आगनो जे कार्यवाही छे अत्यारे चालू छे पण आग बिल्कुल 100% अत्यारे कंट्रोल में छे। अने लोकोने ट्रांसफर करवामां आव्या छे सर? टोटल 23 जणाने ट्रांसफर करवामां आव्युं छे, एटले बधा अत्यारे सलामत छे। जोवुं पड़े પણ અત્યારે તો સલામતી અને રેસ્ક્યુ ખબર પડી છે સર ને હજુ ચાલુ છે એટલે થોડા ફાયર બિલકુલ 100% એનો જે બધું કંટ્રોલમાં આવે પછી આપણે પ્રાથમિક રીતે કહી શકીએ। કોવિડ પેશન્ટ પણ હતા। વડોદરા ફાયર બ્રિગેડની ચાર ટીમ ચારે ચાર ફાયર સ્ટેશનથી નજીકના ફાયર સ્ટેશનથી વિથ ઇક્વિપમેન્ટ પહોંચી ગયેલી હતી અને અલગ અલગ સોર્સિસથી આપણે તેઓને રેસ્ક્યુ કર્યા। લગભગ હોસ્પિટલના જણાવ્યા મુજબ લગભગ 23-22 જણા જેવા કોઈક પેશન્ટ્સ હતા, એ 22 ને આપણે રેસ્ક્યુ કરી લીધા છે। કોઈ જાનહાનિ, કોઈ ઇન્જરી કશું જ નથી, જસ્ટ ફાયર છે। રીઝન ઓફ ફાયર ખોરી રહ્યા છે કે શું કારણથી આગ લાગી છે એ ઇન્વેસ્ટિગેશન કરી રહ્યા છે। ફાયર એનઓસી માટે તેઓએ અપ્લાય કરેલ હતું પરંતુ જનરેટર ન હોવાથી તેઓને પેન્ડિંગમાં રાખેલ હતા। યસ બિલકુલ, ડેફિનેટલી ફાયરના સાધન ઇન્સ્ટોલ થયેલા છે। ફર્સ્ટ ફ્લોર પર જ આગ લાગી, યસ।